गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल रिवाइज चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बच्चों, आपको जैसे पता है कि आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, इसमें आपको क्या करना है, सारे चैप्टर्स को रिवाइज करना है, जिसमें अभी तक मैं आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 6 आपको मैं रिवाइज करा चुकी हूँ। ठीक है, तो आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 2, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं बच्चों? माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, जिनको हम अपनी नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते हैं, उन जबकि वो हमारे सराउंडिंग में हर जगह हैं, एयर में, वाटर में, सॉइल में, हर जगह प्रेजेंट हैं, लेकिन उनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली क्या होते हैं, जिनको आप नेक्ड आईज से नहीं देख रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, वो इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो आपको वो दिखाई देने लगते हैं। वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। तो जैसे ब्रेड है, ब्रेड में आपने ऐसे फंगस लगी हुई देखी होगी, तो ये भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जो अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको हम जनरली 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 4 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम स्टडी करते हैं, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई और प्रोटोजोन्स। ठीक है, वायरस भी जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वायरस, वायरस आप बहुत सुन रहे होंगे आजकल, वायरस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये बाकी सबसे अलग इसलिए है क्योंकि इसके अपनी कोई, ये वायरस जो होता है वो कभी भी नॉन लिविंग होता है, मीन्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही सर्वाइव कर सकता है, उसके बाहर वो सर्वाइव नहीं कर सकता। जैसे आप कोरोना वायरस आजकल सुन रहे हैं, कोरोना वायरस जो है स्पेशल टाइप का वायरस है, जो कुछ सरफेसेस पे कुछ टाइम तक, 1 दिन, 2 दिन, 36 आवर्स तक रह सकता है। अदरवाइज जो वायरस होते हैं, उनकी लाइफ किसी भी एनिमल की बॉडी के बाहर बहुत कम होती है। अगर उनको कोई भी होस्ट नहीं मिलता है तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है कि वो बीच बीच की कड़ी हैं नॉन लिविंग और लिविंग के। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं एक बार पूरा। ये हैं कुछ बैक्टीरियाज, बहुत सारी बीमारियों के कारण होते हैं बैक्टीरिया, लेकिन हमारे लिए फ्रेंड्स एंड फो, मीन्स हमारे लिए यूजफुल भी हैं और हार्मफुल भी हैं। दीज आर एल्गी, प्रोटोजोआ एंड फंजाई। ये कुछ फिगर्स आपको दी हैं। ठीक है, ये वायरस की फिगर है। वायरस में कुछ नहीं होता, सिर्फ उसमें अपना एक क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, और उसी जेनेटिक मटेरियल की हेल्प से जब वो किसी होस्ट के अंदर जाता है तो रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट मतलब एक वायरस बहुत सारे वायरस पैदा कर सकता है, लेकिन जब वो किसी बॉडी से बाहर रहेगा तब वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। बस वो सर्वाइव कर रहा है कुछ दिन, लेकिन रेप्लिकेट नहीं कर सकता। फ्रेंड एंड फो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारी लाइफ में रोल क्या है, वो हमारे लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक, पहले इम्पॉर्टेंट पढ़ते हैं फिर हार्मफुल पढ़ेंगे। आपने देखा होगा बहुत जगह हम यूज़ करते हैं, जैसे पहला एग्जांपल, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। दूध में दही जमाने के लिए हम क्या करते हैं, दूध को हमने गर्म किया और उसमें थोड़ा सा खट्टा डाल देते हैं, जिससे कि वो 2-4 घंटे बाद अपने आप जो है जम जाती है, क्योंकि उसमें जब हम खट्टा डाल रहे हैं तो हम उसमें क्या डालते हैं, एक बैक्टीरिया डालते हैं, लैक्टोबैसिलस, और वो लैक्टोबैसिलस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बैक्टीरिया क्या हुए हमारे लिए, ये यूज़फुल हुए। इसी तरीके से ब्रेड मेकिंग में ईस्ट डाला जाता है, जो कि उसमें CO2 प्रोड्यूस करता है, जिससे वो फ्लफी हो जाता है। जो केक वगैरह आप बनाते हैं या इडली बनाते हैं, तो उनमें फ्लफी करने के लिए ईस्ट डाला जाता है। ठीक है, अब है कमर्शियल यूज़ जनरली जो है वो होता है अल्कोहल बनाने में, अल्कोहल, वाइन, ऐसी चीज़ें बनाने के लिए हम ईस्ट का यूज़ करते हैं बहुत लार्ज लेवल पे, क्योंकि और फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो बैक्टीरिया है, ये क्या करता है, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। मीन जब गन्ने के, जब आपने देखे होंगे गन्ने के जो खेत होते हैं, उसमें से जब हम वो निकाल लेते हैं सारी शुगर, तो जो पोर्शन बच जाता है, जो लिक्विड बच जाता है, उसी लिक्विड को फर्मेंट करने रखा जाता है और उसी से अल्कोहल बनाया जाता है। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। ठीक,
मेडिसिनल यूज़, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो मेडिसिन की तरह यूज़ होते हैं। जब आप डॉक्टर के पास अगर जाते हैं किसी भी चीज़ की टैबलेट लेने के लिए, वो आपको एक दवाई देता है और साथ में एक एंटीबायोटिक देता है। एंटीबायोटिक क्या होती है? एंटीबायोटिक ऐसी मेडिसिन है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही हम प्रिपेयर करते हैं दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए या फिर ख़त्म करने के लिए। तो एंटीबायोटिक जनरली बैक्टीरिया से बनती हैं, फंजाई से बनती हैं, जिससे कि कोल्ड कफ, आपने देखा होगा कोई भी आप बीमारी का दवाई लेने जाओ, एंटीबायोटिक आपको ज़रूर देते हैं, क्योंकि उससे ही हमारी बॉडी के अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ख़त्म होते हैं। ठीक, प्रिकॉशंस क्या लेनी है? प्रिकॉशंस ये लेनी है कि एंटीबायोटिक जो हैं वो कभी भी बगैर डॉक्टर के एडवाइस के नहीं लेनी होती हैं। डॉक्टर जब कहे, जितनी कहे, उतनी ही लेनी होती हैं। अननेसेसरी अगर लोगे तो हमारी बॉडी के जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा, जितनी भी डिजीज जो वायरस से होती हैं, वायरस में एंटीबायोटिक कोई भी इफेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, तो इसलिए एंटीबायोटिक, जैसे मान लीजिए जुकाम हो रहा है आपको, डॉक्टर्स एंटीबायोटिक दे देते हैं लेकिन वो उसमें कोई भी असर नहीं करता है। जुकाम आपका 3 दिन, 6 दिन, 7 दिन या फिर 8-10 दिन में अपने आप ही ठीक होता है। ये एक पेंसिलिन, एक सबसे पहली एंटीबायोटिक है जो सबसे पहले डिस्कवर की गई। ठीक है, और ये पेंसिलिन किससे डिस्कवर की है? फंजाई से। इसके बाद है वैक्सीन। वैक्सीन वैक्सीन आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे। वैक्सीन जनरली क्या होती है बच्चों? जैसे कि हम बैक्टीरिया और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम एंटीबायोटिक का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी डिजीज़ हैं जो क्या होता है कि उनको होने के बाद आप ठीक नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करते हैं? वैक्सीनेशन करते हैं। वैक्सीनेशन का मतलब होता है कि बॉडी में पहले ही उसकी दवाई डाल दी जाती है जिससे कि वो उस पर वो बीमारी अटैक ही ना करे। या इस तरीके से कहा जाए कि हम बॉडी के अंदर पहले ही उस वायरस के बहुत ऐसे पार्टिकल्स डालते हैं जिससे हमारी बॉडी में उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी पैदा हो जाए और वो अपने बॉडी अपने आप लड़ने लग जाए, हमें उसकी दवाई देने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट सॉइल फर्टिलिटी। जो बैक्टीरिया हैं वो सॉइल को की फर्टिलिटी को इनक्रीज करते हैं। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, आपने देखा होगा कि आप कोई भी डेड एनिमल प्लांट अगर कहीं पे पड़ा हुआ है वो अपने आप क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज कर देते हैं और एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। अब कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स डिजीज कॉजिंग है। जो डिजीज करते हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं पैथोजन्स। ठीक, और बहुत सारी डिजीज आपको पता है। हाँ, जैसे कि मॉस्किटो है, हाउस फ्लाई है, ये मैंने सारे नोट्स आपको लिखवाए हैं, इसको आप पढ़ना, कि हाउस फ्लाई है या फिर मॉस्किटो है। ये सब क्या है बच्चों? ये सब कैरियर्स हैं। ठीक है, ये सब के सब क्या है? कैरियर्स हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम इसी में पढ़ते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया में ही, ये पूरी की पूरी टेबल कि कौन से बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज़ होती हैं, कौन से वायरस से कौन सी डिजीज़ होती हैं, ये आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल, और ये प्लांट। प्लांट में देखो बहुत सारे आपने देखे होंगे, कभी पत्तों में ऐसे रेड रेड से हो जाते हैं, कभी प्लांट में कुछ स्पॉट से आ जाते हैं, तो ये सब क्या है? ये डिजीज है प्लांट की, और किसकी वजह से होती है? माइक्रोब्स की वजह से होती हैं। जैसे सिट्रस कैंकर है, रस्ट ऑफ वीट है, देखो इस तरीके से रेडिश रेडिश सा हो जाता है, तो ये सारे जो हैं ये प्लांट डिजीज है। इसके बाद आता है फूड प्रिजर्वेशन। फूड को प्रिजर्व करना, माइक्रो, देखा होगा गर्मियों में आप 2-4 घंटे बाहर रख देते हैं खाना तो वो खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फूड को प्रिजर्व करने के लिए उसमें हम क्या क्या डाल सकते हैं? उसमें हम केमिकल डाल सकते हैं, उसमें हम सॉल्ट डालते हैं, शुगर डाल सकते हैं, या फिर उसको ऑयल या विनेगर उसमें डाल सकते हैं। और अगर हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते तो उसको हम क्या कर देते हैं? उसको हम या तो बार बार गर्म करते हैं या फिर उसको फ्रिज में रख के हम सेव करते हैं। ठीक
ठीक है। और ये नेक्स्ट आपका लास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ नाइट्रोजन साइकिल, कि जितनी भी नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है वो सब क्या है, वो एटमॉस्फेयर में अलग अलग तरीके से रोटेट होती है और फिक्स होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इसको हम कहते हैं। कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में फिक्स करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर सेकंड जो है कंप्लीट हो गया है। आपको इसको ढंग से लर्न करना है एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।